जिस तरह कर्नाटक में और आंध्र में जिस तरह मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी का, उसी का तो विरोध हो रहा है। आज एक चीज बता दूं कि जो भी बनेगा वो प्रधानमंत्री ही बनाएंगे, क्योंकि विपक्ष को भी उम्मीद प्रधानमंत्री से है। जितना बेबुनियाद बात करना गलत है, उतना ही बेबुनियाद बात को इस तरीके से आप लोग के माध्यम से प्रचारित करना भी उचित नहीं है। खतरे के सवाल पर खूब बोल रहे एनडीए के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को ही मुस्लिम तुष्टिकरण पर घेर लिया है। देख लीजिए, बिहार के दोनों मुख्यमंत्री के साथ ही साथ इंडिया के तमाम बड़े नेताओं का आखिर क्या है यह बयान। इधर सर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, खतरे में कैसे जी? देखिए, पॉलिसी यदि कोई गलत बनाता हो तो उसी पर आधार पर कहा जा रहा है। जिस तरह कर्नाटक में और आंध्र में जिस तरह मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी का, उसी का तो विरोध हो रहा है। इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में मोदी जी लगे हैं और लालू जी का पूरा परिवार बिहार और देश को लूटने में लगा है। है कि देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सभी सेना के अध्यक्ष हिंदू, तो कैसे धर्म खतरे में है? देखिए, सनातन के संतान, आप बोलिए ना, सनातन बोलिए सर, बोलिए सर, सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं और ये तुष्टिकरण करने वाले लोग सत्ता एन केन प्रकारन प्राप्त करने की मानसिकता से भयभीत हैं। इनको लग रहा है कि आज सभी माँ भारती का संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है तो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सुचिता का, सुशासन का। ये राजद कांग्रेस के लोग सुचिता सुशासन पर क्यों नहीं बोलते? देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि देश से करप्शन हटना चाहिए, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा महामारी है जो पूरे विकास की गति को कुंद कर देता है, घुन के तरह खा जाता है। लेकिन ये लोग कभी जात पर भटकाएंगे, कभी धर्म पर भटकाएंगे और इस तरह का विषय रखेंगे कि नहीं चाहते हुए भी प्रतिक्रिया में लोगों को बोलना पड़ता है। अरे सुचिता और सुशासन पर बहस करो, है हिम्मत? राजद कांग्रेस के लोग को चुनौती देते हैं कि तुम्हारा शासन जहां जहां रहा सबका साथ सबका विकास की भाव मन में क्यों नहीं रहा? सभी माँ भारती के संतानों को जो इस धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का उसकी प्रति ईमानदारी से चिंतन क्यों नहीं किया? तुष्टिकरण की राजनीति नहीं, अब संतुष्टिकरण की राजनीति होगी, इस पर बहस करूं। प्रधानमंत्री भी है वो आज आ रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत मिथिला की धरती पर है और ये मिथिला की धरती माँ जानकी की धरती है। बहुत ही आशा भरी उम्मीद के साथ जो रामलला को अयोध्या में लाए हैं और भगवान राम का, राम राज्य का आदर्श बिहार की ओर प्रस्थान कर गया है और प्रधानमंत्री एक नायक के रूप में राम राज स्थापित करने में और भगवान राम जो लोक आस्था के सबसे बड़े केंद्र बिंदु है वो हर मन के अंदर बैठाने में सफल रहे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि एम्स कब बनेगा, एम्स कब बनेगा? आज एक चीज बता दूं कि जो भी बनेगा वो प्रधानमंत्री ही बनाएंगे, क्योंकि विपक्ष को भी उम्मीद प्रधानमंत्री से है। ये जंगल राज वाले गुंडा राज में तब्दील कर सकते हैं, न कोई शैक्षणिक संस्था बना सकते हैं, न इनसे कोई बड़ा एम्स जैसा हॉस्पिटल, नहीं IIT, ना IIM। आज जो भी दिए हैं देश के प्रधानमंत्री ने दिए हैं और आगे भी उन लोगों को भी उम्मीद है, इसके लिए उनको धन्यवाद भी देते हैं।
यशवी यादव ने कहा है कि आप देखिए आप ही दोनों पहले राष्ट्रपति भी हिंदू है सभी राज्य के आप लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है लेकिन प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्रपति हिंदू सेना का जो अध्यक्ष है वो हिंदू तो कैसे हिंदू खतरे में है तेजस्वी यादव ने सवाल किया धर्म खतरे में है। अरे अगर कोई बेबुनियाद बात करिए जितना बेबुनियाद बात करना गलत है उतना ही बेबुनियाद बात को इस तरीके से आप लोग के माध्यम से प्रचारित करना भी उचित नहीं है। सवाल तो कम से कम सही पूछा सकते हैं।